व्यापार को सफल बनाने के आसान टिप्स एंड ट्रिक्स। यदि आप एक व्यापारी हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं? किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए जरूरी है कैश फ्लो, मैन पावर, बिजनेस प्लान आदि। लेकिन बहुत से व्यापारियों को ये समझ नहीं आता है कि अधिक निवेश, अच्छा स्टाफ एंड सही बिजनेस प्लान बनाने के बाद भी कभी कभी बिजनेस फेल हो जाते हैं या फिर उनके बिजनेस की सफलता की रफ्तार धीमी रहती है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यापारियों को और भी एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे उनका व्यापार तेजी से दौड़े और सफलता ही सफलता मिले। इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे एक बिजनेस को सफल बनाने के लिए कौन कौन से टिप्स ऐसे हैं जिन्हें हर व्यापारी को हर हाल में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जो किसी भी बिजनेस को सफल बना सकते हैं। सही लोगों को हायर करें। किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए एक बेहतरीन टीम की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी आप किसी को हायर करें तो उसका बैकग्राउंड चेक करें, जानने की कोशिश करें कि वो आपके बिजनेस के लिए कितना सही है। हिसाब को किताब में लिखना बंद करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस का लेन देन कॉपी में लोग लिखते हैं, लेकिन जब ये कॉपी कहीं खो जाती है या सही समय पर नहीं मिलती है तो आपका हजारों लाखों का पैसा फंस जाता है। ऐसे में आपको किताबी हिसाब किताब से बचना होगा। आप टेक्नोलॉजी का सहारा लें, क्योंकि एक बार आपको अकाउंट बनाना है फिर अपने आप आपका हिसाब चलता रहेगा और सही समय पर आपको मिल भी जाएगा। इसके लिए आप ओके क्रेडिट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके क्रेडिट ऐप के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जानकारी पा सकते हैं। अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज करें। स्टॉक मैनेज करना अपने आप में एक कला है। कई बार लोग इस चीज में फेल हो जाते हैं, इसलिए आपको इस बारे में गंभीरता से काम करना होगा। कैश फ्लो को कंट्रोल करें। लोग बिजनेस करते हुए इस बात को भूल जाते हैं कि कैश का खर्च कितना करना है, कितनी कमाई हुई, बिजनेस के लिए कितना बजट है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। निवेश करें B2B e-commerce। अपने बिजनेस को B2B e-commerce में निवेश भी करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएं। अपने कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि इनके बिना आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, इसलिए कस्टमर को खुश रखें और उनकी डिमांड को पूरा करें। ऑर्डर फुलफिलमेंट की स्पीड बढ़ाएं। आपके पास जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक को बढ़ाते जाएं, मैनेज करते जाएं। इसलिए अपने प्रोडक्शन या टीम को स्पीड में मैनेज करें। प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएं ना कि प्राइस की। यदि आपका बिजनेस किसी वजह से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्राइस बढ़ा दें या फिर कम कर दें।